हेलो फ्रेंड्स, टेक हेल्थ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्किन ट्रैक्शन के बारे में। तो यहां पे लेके आया हूं मैं स्किन ट्रैक्शन किट। तो इसका पूरा रिव्यू बताऊंगा और आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगा कैसे लगाना है। अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रैक्शन वेट बैग की। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये एक ट्रैक्शन वेट बैग है। इसमें हम पानी भर के उसका वेट बनाएंगे। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रैक्शन वेट पुली की। ये एक पुली है जिसमें हम वेट जो है वो फिक्स कर सकते हैं। साथ में ट्रैक्शन किट है हमारे पास यहाँ पे, ये टायर नार की। तो इसमें क्या क्या मिलता है हमारे पास, हम इसको ओपन करके आपको बताएँगे। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंटरेस्टेड प्रोसीजर है, आपके काम आने वाला है। तो इसको ओपन जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती है ये ट्रैक्शन बेल्ट, जो ये ट्रैक्शन वेट की बेल्ट है। इसके साथ एक कॉर्ड लगा हुआ है, ट्रैक्शन कॉर्ड, ये जो रस्सी लगी हुई है आप देख सकते हो। इसके साथ हमें एक मिलता है क्रेप बैंडेज। तो इसको हम ओपन करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसी होती है जो ट्रैक्शन बेल्ट है। तो इसमें फॉर्म अंदर लगी होती है, इस तरीके की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ट्रैक्शन वेट बेल्ट। और अब हम इसको पूरा प्रोसीजर में बताएंगे आपको कि ये कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना पड़ता है। तो इसको हम क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब पेशेंट का लोअर लिम्ब्स में कोई फ्रैक्चर आ जाता है या फिर हिप में फ्रैक्चर आता है तो उस टाइम ये ट्रैक्शन लगाना ज़रूरी होता है उसको स्टेबलाइज़ करने के लिए। तो हमने इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। यहाँ पे देख सकते हो एंकल जॉइंट को हमने होल्ड करके पेशेंट का जो पाँव के नीचे वाली साइड है वहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर का गैप रख देना है। और इसको फिर हमने क्रेप बैंडेज के साथ हमने क्लोज़ करना है, क्रेप बैंडेजिंग कर देनी है। तो क्रेप बैंडेज एकदम ज़्यादा टाइट नहीं करनी है, यहाँ पे थोड़ी सी टाइट लग रही है। तो इसको हम दोबारा ओपन करके थोड़ा ना ज़्यादा टाइट हो और ना ज़्यादा लूज़ हो उस हिसाब से हमने इसको फिक्स करना है। तो ये एंकल से लेके ग्रोइन रीजन तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो क्रेप बैंडेज को हमने क्लिपिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमने ट्रैक्शन अप्लाई कर दी है। अब हमने पुली सेट करनी है बेड के साथ, ये ट्रैक्शन वेट पुली हमने सेट करनी है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ट्रैक्शन वेट पुली सेट करने के बाद अब जो ट्रैक्शन का जो कॉर्ड है वो रस्सी जो है वो रस्सी इस पुली के बीच से गुजारनी है और इसके साथ हमने वेट बैग को अप्लाई कर देना है 5 kg वाटर के साथ। तो ये 5 kg तक हमने 5 से 6 kg तक वेट लगाना होता है। तो ये वेट जो है इसको हमने हैंग कर देना है। तो इस तरीके से जब ये हैंग होगा तो इसका जो फ्रैक्चर का वो जो पोजीशन है वो थोड़ी सी सेट रहेगी। जब तक फर्दर ऑपरेट के लिए प्लानिंग होती तब तक ये स्किन ट्रैक्शन को जो है अप्लाई करके रखना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।